प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भीम आर्मी और बहुजन समाज के अनुयायियों द्वारा आज अंबेडकर पार्क में शौर्य दिवस मनाया गया। आज ही के दिन सन 1818 में भीमा कोरेगांव में 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को रणक्षेत्र में पराजित किया। इस दिवस को बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर अंबेडकर पार्क बेहर में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सभी ने एक साथ खड़े होकर प्रार्थना की। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 प्रचंड सेना जो पेशवाओं की थी युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल की थी, जिसकी याद में हर वर्ष 1 जनवरी को बहुजन अनुयायियों द्वारा भव्य रूप से भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष मनाया जाता है। जिसके अनुसार आज यहाँ पे पैहर नगर मुख्यालय में पैहर के हृदय स्थल अंबेडकर पार्क पैहर मनाया गया है। यहाँ पे सभी जितने भी लोग उपस्थित हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुनील। बेहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट। स्वर्गीय गणेश पटले एवं शहीद मनीष की स्मृति में होने वाले बेहर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें सीजन का शानदार समापन हुआ। 12 दिनों से चल रहे इस टूर्नामेंट को आईपीएल की तर्ज पर खेला जाता है। इस बेहर प्रीमियर लीग का इंतजार सिर्फ यहां के स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी होता है। फाइनल मैच में खेल परिषद बेहर दर्शकों से भरा हुआ था। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। देश भर के खिलाड़ी इस बेहर प्रीमियर लीग में शामिल हुए। इस लीग में 16 टीमों के बीच 31 मैच खेले गए। फाइनल मैच यंग स्टार बेहर और बीए ब्लास्टर के बीच खेला गया, जिसमें पहली बार पहली पाली खेलते हुए यंग स्टार बेहर ने 129 रन बनाकर विपक्षी टीम को 130 रनों का लक्ष्य दिया। बीए ब्लास्टर ने 4 विकेट खोकर 131 रन बना लिए और इस तरह 6 विकेट से मैच जीतकर बीए ब्लास्टर ने ये जीत अपने नाम कर ली। विजेता टीम को 1,71,000 रुपए नगद पुरस्कार और ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 81,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी। फाइनल मैच जीतने के बाद बीए ब्लास्टर की टीम की खुशी देखते ही बन रही थी। बेहर प्रीमियर लीग के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, चंद्र सिंह भाटिया, श्रीमती तनु पटले रहे। आप किसे देते हैं? देखिए, जीत का श्रेय की बात ऐसी है, हमारे जितने प्लेयर हैं वो लोकल के हों या बाहर के हों, सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया और ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करते हुए 100% परफॉर्मेंस रहा उनका। और रही बैटिंग की बात, तो आसू हमारे यहाँ का एक ऐसा प्लेयर रहा जिसने सारे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सिंगल डबल करके रोटेट करते और हर मैच में जीत दिलाई। उसका साथ हमेशा मेरे लोकल खिलाड़ी क्या नाम उसका फरीद ने हमेशा साथ दिया और बाहरी प्लेयरों का काम बाहरी प्लेयर ने करके गए, बहुत अच्छा खेले। और आज का जो फाइनल मैच रहा हमारा, उसमें हमने तो थोड़ा सा आखिरी 2 ओवर हमारे गंदे रहे, उसके बाद जब हमारी बैटिंग आए तो सचिन मलिक करके बाहर का प्लेयर है, हमने बहुत अच्छा खेल के हमें जीत लिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुमित। क्रिकेट का आयोजन किया गया था, कितने दिनों से चल रहा था और कितनी टीमों ने यहाँ पर भाग लिया? ये टूर्नामेंट 12 दिनों से चल रहा था और इसमें टोटल 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें संपूर्ण भारत से, मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड से लेकर इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़, सभी जगह खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अपना अपने अपने 4 खिलाड़ी लाते हैं और इस टूर्नामेंट को इस बार अपने श्री गणेश पटले जी की स्मृति में वीर शहीद मनीष सिंह के सम्मानार्थ में ये 8वां वर्ष इस टूर्नामेंट को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस वर्ष इस टूर्नामेंट की प्राइज मनी प्रथम पुरस्कार 1,71,000 रुपए है और द्वितीय पुरस्कार 81,000 रुपए है और वहीं मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए, स्थानीय मैन ऑफ द सीरीज 11,000 रुपए। क्या नाम है आपका? बेहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट।